Yeah.
Thank you.
Thank you.
I know that it's very hot and humid, but still, whenever you find an orator, whenever anyone finds so much of people sitting or standing in front of you, तो बहुत सारी भावनाएं आती हैं. Before I start, a very happy Independence Day to one and all present here. बहुत खूबसूरत भाषण प्रस्तुत किया गया और बड़ी खूबसूरत सी लाइन होती है हर बार के भाषण में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तब अच्छा हो सकता है कि जब हम अपने आप को अच्छा कर लें, हम एक यूनिट की तरह से अपने आप को अच्छा कर लें, उसके बाद हम समाज को अच्छा कर लें, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में हम रह रहे हैं, उसको अच्छा कर लें, और सब लोग अगर इस चीज का प्रण कर लें तो मुझे नहीं लगता कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा करने में कोई भी कोर कसर बाकी रह जाएगी. With all the independence you all are enjoying today, जो स्वतंत्रता हम enjoy कर रहे हैं, इसके साथ ही अगर हमारी duties ना हो, I would request all the students over there, खास करके बड़े बच्चे जिनको मैं focus करना चाहती हूँ कुछ points को लेके, वो इस चीज पर ध्यान देंगे. जिस स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, अगर उसके साथ हमारी ड्यूटीज ना बननी हो तो मुझे नहीं लगता है कि स्वतंत्रता का कोई मायने रह जाएगा, वो स्वच्छता में बदल जाएगी और आप उदंड हो जाएंगे. फॉर दैट पर्पज ओनली द राइट्स आर इनकल्केटेड अलॉन्ग विद द ड्यूटीज, आपके कर्तव्यों के साथ आपकी बाकी सारी मर्यादाएं भी बनी रहती हैं. जब पिंगली साहब ने इसको राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था, उसके पहले बहुत सारे झंडे हम लोग के डिजाइन हुए थे, लेकिन लास्ट में जब डिजाइन हुआ था तो केसरिया रंग, हरा रंग, सफेद रंग, सबको पता है किस चीज के लिए है, बीच में चक्र किस चीज के लिए, वो धर्म का चक्र है. चक्र जो है वो एक पहिया है, पहिया क्या डिनोट करता है, हमेशा मूवमेंट डिनोट करता है, आप हमेशा मूव करते रहें, लेकिन मूवमेंट शुड बी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन सो दैट यू ग्रो, ग्रो इन अ पॉजिटिव वे, ताकि आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाए. बहुत खूबसूरत प्रोग्राम प्रेजेंट किया गया एंड आई वुड बी वेरी सॉरी टू से दैट द सपोर्ट फ्रॉम द ऑडियंस साइड इट वॉज वेरी अनसपोर्टिव. मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी अपनी सारी ऑडियंस से कि जिन बच्चों ने यहाँ इतनी गर्मी में प्रोग्राम प्रेजेंट किया उसके लिए एक जोरदार ताली. एक जोरदार ताली उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और इतने खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स बच्चों को प्रोवाइड करवाए और इतने अच्छे से बच्चों को तैयार करके यहाँ प्रेजेंट किया. एक जोरदार ताली हमारे उन टीचर्स के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम को तैयार करवाया अथक मेहनत से, तालियां बजती रहनी चाहिए. एक जोरदार ताली उन टीचर्स के लिए जिन्होंने इनकी जगह पर सब्स्टिट्यूशन ड्यूटी की, उन टीचर्स के लिए जोरदार तालियां. और एक जोरदार ताली हमारे वॉलंटियर्स के लिए, हमारे सीनियर स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कल शाम को रुक के यहाँ पर डेकोरेशन किया, आज की डिसिप्लिन को मेंटेन किया. मैं प्रोग्राम की डीपनेस में नहीं जाऊंगी, सारे प्रोग्राम्स बहुत खूबसूरत थे, बहुत अच्छे प्रेजेंट किए गए. ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे लेट अस रीडेडिकेट आवरसेल्व्स टू द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम. वैल्यूज ऑफ फ्रीडम मतलब ये जो आज़ादी है उसकी जो वैल्यूज हैं उसको उसके ऊपर डेडिकेट करें हम. यूनिटी एंड प्रोग्रेस, हमारी एकता और अखंडता बनी रहे और हम लोग आगे निरंतर तरक्की करते रहें. लेट अस सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड टेक प्राइड इन द डाइवर्स कल्चर जो कि हमारे नन्हे मुन्नों ने यहाँ प्रेजेंट किया, दैट डिफाइंस आवर नेशन. लेट अस स्टैंड यूनाइटेड एंड फेस द चैलेंजेस एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज दैट लाई बिफोर अस. बहुत सारे चैलेंजेस हैं लेकिन साथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं हमारे सामने, तो हम चैलेंजेस को फेस करना सीखें, अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करें और अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं आपके सामने उसको गले लगाएं और तरक्की के रास्ते पे बढ़ते रहें. जय हिंद, जय भारत.